हेलो गेमर्स, तो आज मैं आपसे बात करूंगा मोबाइल लेजेंड्स में जल्द से जल्द बैटल पॉइंट और एक्सपीरियंस लेवल किस तरह से बढ़ाया जाए। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड में देखो, आपको दो चेस्ट मिलती है, एक मेडल चेस्ट है। इस चेस्ट में इस तरह से कुछ रिवॉर्ड्स है, वो आप ले सकते हो। फिर उसके बाद ये फ्री वाला चेस्ट है, तो उसमें ये वाले रिवॉर्ड है वो आप ले सकते हो। इसमें से कुछ भी आपको मिल सकता है। फिर ये डेली टास्क है, उसको आप कंप्लीट करके जो जो रिवॉर्ड है वो ले सकते हो। एक्सपीरियंस है, ये डेली टास्क कंप्लीट करो, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर ये टास्क है कुछ, ये टास्क को कंप्लीट करो, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल स्टार्टिंग में आप नए हो तो 30 से नीचे का एक्सपीरियंस लेवल है, तो आपको ये टास्क नहीं मिलेंगे, उसकी जगह दूसरे टास्क मिलेंगे। तो वो टास्क कुछ इस तरह से होगा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं वो वाले टास्क होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी ऐसी चीज़ है जिद से आप जल्द से जल्द बढ़ा सकते हो। देखो, तो उसके लिए इन्वेंटरी में आपके पास ऐसे डबल एक्सपीरियंस कार्ड और डबल बैटल पॉइंट कार्ड दोनों होना चाहिए। देखो, ये है डबल बैटल पॉइंट कार्ड और ये एक्सपीरियंस कार्ड, ये एक दिन वाला, ये 3 दिन वाला। ये एक्सपीरियंस डबल बैटल पॉइंट कार्ड 3 दिन का ऐसे होने चाहिए। और कुछ डबल बैटल पॉइंट कार्ड आपको इवेंट से मिलेंगे, डबल एक्सपीरियंस कार्ड इवेंट से मिलेंगे। एक और इसका तरीका है लेने का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये शेयर वाला ऑप्शन है, इसको डेली कहीं ना कहीं शेयर करना है। उससे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड में टास्क मिलते, देखो आप शेयर रिवॉर्ड में आपको टास्क वो मिलता रहेगा अचीवमेंट। आप कहीं शेयर कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलता रहेगा, वहाँ से आप इसको ले लो, फिर उसको एक्टिवेट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक्टिवेट करने के बाद आपको जाना है वशीज एआई में। वशीज एआई में अभी ब्राउल का ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्लासिक ही खेलना पड़ेगा। क्लासिक खेलो, फटाफट से मिड लाइन में जाओ, तोड़ते जाओ, ख़त्म करो फटाफट मैच। तो उससे क्या है, आपको जो बैटल पॉइंट मिलते हैं नॉर्मली हमको मिलते हैं 150 के आसपास। अगर आप इससे खेल रहे हो, जल्द से जल्द मैच ख़त्म कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे 200-300। तो उस तरह से क्या है, आपका बैटल पॉइंट जल्दी जल्दी मिलते जाएंगे। अगर वशीज एआई में ब्राउल का ऑप्शन आ गया तो वो तो समझ लो जल्द से जल्दी मैच ख़त्म हो जाएगा, 2-2.5 मिनट में मैच ख़त्म होता है। तो उसके हिसाब से आप जल्द से जल्द बैटल पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो। फिर एक और बड़ी बात, आपको यहाँ पे जाना है, फिर लकी स्पिन में जाओ, फिर ये जो अभी हीरो का स्किन है, तो मेरे पास समझ लो ये वाला स्किन है और मैं इसको घुमाऊँगा तो ये स्किन मेरे को निकला, तो इसकी जगह मेरे को रेयर सेग्रामेंट मिलेंगे। लेकिन आपको बैटल पॉइंट जल्द से जल्द कलेक्ट करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे जब हीरो का स्किन आए तब घुमाना है। जब वो हीरो आपके पास है और आपके पास टिकट्स है इनफ मात्रा में, तो आप उसको घुमाओ। वो हीरो आपको मिल गया तो हीरो की जगह आपको दिए जाएंगे बैटल पॉइंट। कितने बैटल पॉइंट दिए जाएंगे तो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इतने बैटल पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप जल्द से जल्द बैटल पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो। फिर एक और बात कर ले कि अचीवमेंट में, तो आपको ये छोटे मोटे जितने भी अचीवमेंट है वो कंप्लीट करते रहो, उससे देखो इतने सारे मतलब बैटल पॉइंट मिलते रहते हैं। जो भी अचीवमेंट है उसको देखो, उसको कंप्लीट करो, और जो भी मिल रहा है उसको ले लो। देखो, ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसको मैंने मिल गए हैं जो कंप्लीट नहीं किए। देखो यहाँ पे इस तरह से जो आपको बैटल पॉइंट मिल सकते हैं, तो सारे जितने भी है वो अचीवमेंट करो। और जितना भी था वो सब समझा दिया गया है, जितनी भी सारी बातें थी वो समझा दी गई है। होप ये आप सबको पसंद आ गया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।